जिम्मेदारी। लेकिन शहजाद जी, आप जो तमाम उपलब्धियां गिना रहे हैं, यहाँ पर एक और चर्चा बड़ी कॉमन हो रही है आपकी कैंपेन को लेकर कि कूड़े का मुद्दा तो था लेकिन आपने उसे कैसे बैलेंस किया। आपने अपने मुख्यमंत्री उतार दिए तमाम आपके शासित राज्यों के, आपने बाहर से बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को आप ले आए और आपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी कारपेट बॉम्बिंग की। मैडम अगर आप देखें तो अगर हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता थे तो उनके भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। अरविंद केजरीवाल उनके नेशनल कन्वीनर है, उनके चीफ मिनिस्टर है, भगवंत मान उनके चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड किया, हमने भी अपना बेस्ट फुट। और हमारे यहाँ पर बीजेपी में चाहे चुनाव जो भी हो, छोटा बड़ा हम ऐसा नहीं देखते चुनाव को, चुनाव में हम हमारी पूरी ताकत झोंकते हैं क्योंकि हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। चुनाव हमारे लिए लोकतंत्र का एक पर्व होता है जिसमें कि हम अपनी विचारधारा को, हमारे काम को जनता तक ले जाए, आखिरी व्यक्ति तक ले जाए। इसलिए चुनाव छोटा हो बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी उसे बहुत गंभीरता से लड़ती है। हम किसी भी चुनाव को गिव अप नहीं करते। कुछ पार्टियां हैं जो यात्रा पर निकल चुकी है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती, वो एनजीओ बनना चाहती है। काश यही फ्रंट फुट फॉरवर्ड देश को आगे बढ़ाने के लिए करते तो अच्छा होता। ईमानदारी से लड़ते हैं। काश यही फ्रंट फुट फॉरवर्ड देश को बढ़ाने के लिए करते तो अच्छा होता। वह एम्स का वेबसाइट बंद है, आईसीएमआर पे 6000 अटैक हो गए। वह फ्रंट फुट फॉरवर्ड नहीं, वहां डिफेंसिव चल रहा है आपका। और हम चुनाव का प्रचार कर रहे जहां देश को नुकसान हो रहा है वहां फ्रंट फुट फॉरवर्ड कीजिए साहब। हम और आप तो लड़ेंगे, देश के लिए आप काम कीजिए, ये आपका मैंडेट है। अच्छा एक बात, तहसीन एक सवाल है। देखिए चर्चा तो करते रहेंगे। एक बार बस रागी जी, आपको बीच में रोक दूं, एक बार टैली बता दूं। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आगे हो गई है, 121 पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी 119 पर। यानी ये जो ऊपर नीचे का खेल है वो चलता जा रहा है और ये कहा जा सकता है कि इन चुनावों को देखकर कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। बीजेपी 118, आम आदमी पार्टी 122, यानी आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बढ़त बना लिया। राखी जी बात कंप्लीट करिए। नहीं, मैं एक जानना चाहता था तहसीन से कि एम्स का सर्वर डाउन है तो उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, दिल्ली में पोल्यूशन है प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। सिंगापुर से हमारा डेटा चोरी हुआ है और एक हेल्थ देश के स्वास्थ्य मंत्री का रेजिग्नेशन किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री से एक स्टेटमेंट नहीं होता, प्रधानमंत्री जी से बात नहीं करते। सर ये बहुत डेंजरस है। आईसीएमआर वेबसाइट पे 6000 अटैक हुए पिछले 24 घंटे में, हम क्लूलेस है। सर ये आपका हमारा देश का डेटा है, ये हमारे स्ट्रेटेजिक सीक्रेट है, स्ट्रेटेजिक एसेट है। एम्स का वेबसाइट अगर दो हफ्तों से आप चालू नहीं कर सके, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछोगे, कल हमारे कौन से वेबसाइट पर अटैक होगा? और हम जानते हैं कौन सा मुल्क कर रहा है अटैक। सर ये एक सॉवरेन अटैक है इस मुल्क पे, ये एक साइबर अटैक है, साइबर वॉरफेयर है सर भाई, वॉरफेयर की परिभाषा बदल गई है, ये एक युद्ध है हमारे देश के खिलाफ। प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं देश में। कम से कम एमसीडी का मुद्दा तो नहीं है ना, ये एमसीडी का मुद्दा भी है साहब। अगर जब नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा, हम हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हैं, आप कीजिए, चुनाव लड़ना आपका अधिकार है, लेकिन जब देश पे एक अटैक हुआ है, ये देश पे एक अटैक है, ये वॉरफेयर है देश के खिलाफ, आप प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो खुश होती, राहुल गांधी तो उन्हीं ताकतों के साथ। ना राहुल गांधी देश के खिलाफ है, ना अरविंद केजरीवाल देश के खिलाफ है, ना मोदी जी, ये चीज को हम रखें, इसके बाद हम बात करें। ये इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है प्रधानमंत्री कार्यालय का, इस चीज को। एक बार आपकी बात पर शहजाद रिएक्ट कर रहे थे, बोलिए शहजाद। सौरभ जी, जहां तक मेरी जानकारी है, आप वरिष्ठ पत्रकार है, मेरी जानकारी आप ठीक कर सकते हैं। हमारे पार्षद का एम्स की वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं होता है, हमारे पार्षद अपना चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो लोकतंत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जिससे कि अकाउंटेबिलिटी तय होती है। चुनाव के खिलाफ क्यों है ये इमरजेंसी का डीएनए लेकर घूमने वाले, मुझे नहीं पता। परंतु हाँ, पार्लियामेंट में इस विषय पर सारे सवाल पूछे जाने चाहिए एम्स के विषय में। मुझे पता नहीं एक वरिष्ठ नेता विपक्ष के, क्या वो पार्लियामेंट जा रहे हैं? वो शायद कहीं व्यस्त है, वो वायनाड भी नहीं जा पा रहे और वो पार्लियामेंट में भी नहीं होंगे। ये अच्छे सवाल है, तहसीन को राज्यसभा भेज दे कांग्रेस पार्टी, ताकि पार्लियामेंट में कोई तो सवाल पूछे। मैं जाऊंगा तो लोकसभा से ही जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है राज्यसभा में राज्य, क्योंकि उनके तो नेता जाने से रहे पार्लियामेंट, हमारे पार्षद हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं लोकसभा मटीरियल हूं, 2024 में जाऊंगा। 2024 में तहसीन पूनावाला कह रहे हैं वो लोकसभा पहुंचेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़के जाएंगे। चले, शुभकामनाएं आपको। लेकिन अभी फिलहाल देखिए परिस्थिति एमसीडी की चुनाव की गिनती में 121 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, 116 पर बीजेपी, 9 पर कांग्रेस आगे है। तीसरे राउंड की गिनती खत्म हो चुकी थी, चौथे राउंड की काउंटिंग चल रही थी, शायद वो भी अब तक पूरी हो चुकी हो। तो 3-4 राउंड की गिनती के बाद के नतीजे हैं और मार्जिन भले ही बहुत कम हो लेकिन
काउंटिंग जो है 2 घंटे से लगभग अब चल रही है और माने 1 घंटा और इसमें लग सकता है जब नतीजे आना शुरू हो जाएंगे अलग अलग वार्ड्स के। अभी तक हम आगे पीछे की बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट रिजल्ट भी 1 घंटे के अंदर में मिलना शुरू हो जाएंगे। भास्कर सर, अब देखिए जो अभी तक ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके हिसाब से अगला 5 से 10 दिन ऐसा है, अगला 5 से 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दिल्ली में। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जानकारी के लिए बता दूं कि 3 राउंड पूरे हो चुके, 4th राउंड की गिनती हो रही है और अब रिजल्ट्स आने लगेंगे। कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जिनके रिजल्ट अब कुछ देर में अनाउंस कर दिए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी करके बैठी है कि 110 तक अगर वो जीतेगी तो उसके बाद अगला रणनीति क्या होगा, उसकी तैयारी पहले से की जा चुकी है। आप जो अन्य के खाते में देख रहे हैं वो सब कौन है, इस पे काम करना अभी से शुरू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कौन है और कैसे उनको अपने पक्ष में लाया जाए, और ये जानते हुए कि MCD में जब मेयर के लिए चुनाव होगा तो उसमें दल बदल कानून नहीं लागू होता है, कोई भी किसी को वोट कर सकता है, किसी पार्टी में रहते हुए भी किसी को वोट कर सकता है। तो MCD का एकीकरण होने के बाद एक नया खेल, नया चुनाव होना है जो MCD के हेडक्वार्टर हम दिखा रहे हैं इसके अंदर में होना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि कोई आगे है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि मेयर उसका ही बन जाएगा। बिल्कुल। इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।